जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। परम ब्रह्म प्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र बाईसी पहाच तत्व अनेक रहस्य मध्य अनेक संख्यारे रहस्य निर्माणरे रहस्य ताकु छुई जीवा आसीबा नियमरे भी रहस्य तेबे आसंतु सबु रहस्य को उन्मोचन करिबा पूर्वरु जानिबा तार निर्माणर इतिहास। पुरीर राजा भानुदेवंक द्वारा यह निर्मित होईछि बोली इतिहास कहे हेले केबे होईथिला केऊ समयरे होईथिला कौनसी सूचना नाही किंतु अच्छी सुंदर किंवदंती टीए अपुत्रिक राजा भानुदेव प्रभु जमेश्वर को पूजा करी एक पुत्र संतान लाभ कले। ज्योतिष माने कोष्ठी विचार करी कहिले एई पुत्रर आयुष मात्र 22 वर्ष तेणु पुणी राजा जमेश्वर निकट में शरण पशिले एवं आज्ञा पाइले 22 पहाच निर्माण करने 22 पहाच निर्माण चली समय सिंहद्वार आड़ पंचम पहाचरे एक झर पड़ा पुणी जम्बेश्वर आश्रा और आदेश वरुण आराधना कले। स्वप्न वरुण कहिले काली प्रभात समुद्र में स्नान कर और जहाँ मिलिबो ताकुने झर मुहरे देले झर बंद हेब। परदिन समुद्र स्नान समय भानुदेव एक मांकड़ा पत्थर पाइले जहाँ आनी झर जगार देवारु झर बंद हो 22 पहाच निर्माण संपूर्ण हैला। एहा परे गुरु को परामर्श रे भानुदेव निज पुत्र को यही 22 पहाच रे गड़ाइले एथिरे से रोगमुक्त होबा सह तार आयुष मध्य वृद्धि पाइला सुस्थ और निरामय जीवन अतिवाहित करी पितामाता को धन्य कला। यही स्मृति को मन पकाई आज भी अनेक पितामाता निज संतान मानक 22 पहाच रे गड़ाई थांती और निज पितृपुरुष कोईठार पिंडदान करती। दीपावली अमावास्यार दीप बा कांवरिया जाली कहती बड़ बड़ुआ हो अंधार रे आस आलुअरे जाओ गंगा जाओ गया जाओ काशी जाओ पुरुषोत्तम जाओ 22 पहाचे गड़ गड़ उठाओ अमृत दृष्टि आम को चाही थाओ। स्वयं कालिया सांत यही पिंडदान करी थांती। आश्विन मास शुक्ल पक्षरु प्रभु जगन्नाथ जेउ जिगरे जेउ रूपरे जन्म नहींछंती तांको पितामाता एठारे श्राद्ध दियंती। मदन मोहन तांको त्रेतया जुगर पितामाता दशरथ कौशल्या द्वापर जुगर पितामाता नंदराजा जशोदा देवकी वसुदेव को मध्य एठारे पिंडदान करती। एपरिकी प्रभु राजा इंद्रदुम्न और राणी गुंडीचा को मध्य पिंडदान करती। 22 पहाचर महिमा अनेक जथा जमशिला पितृशिला मुक्तिशिला कैवल्यशिला सिंहद्वार पटु द्वितीय पहाचरे एक कला रंगर पथर खंड देखा मिले। यही कला रंगर मुगुनी पथर को जमशिला कह जाए एठार जमदूत मैंने रुहंती मान्यता आगर अच्छी कहा जाए एठार पादी मंदिर भितर को गले पूर्वर या सबुपाप ये रही जाए तेणु पर जमदंड मिले ना बोली मना जाए किंतु पर जदि दर्शन सारी यही शिले पाद आपण बाहर को चली आसुंच तेबे आपण कालिया सांत को दर्शन करी जेउ सब पुण्य अर्जन करथिबे ताहा जमदूत माने नै जानती तेणु केबे हेले प्रभु जगन्नाथ को दर्शन कर सारिबा परे आपण ए सिंहद्वार देई बाहर को बाहरंतु नाही। 22 पहाचर तृतीय नंबर पहाचरे अछंती स्वयं काशी विश्वनाथ एहा कु नै मध्य एक सुंदर कहानी अछि। महाप्रभु जगन्नाथ फूल गुंथाली थरे काशी जाई काशी विश्वनाथ को दर्शन करने अभिलाष कले तेणु से महाप्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना कले जे मोर किछि टंका जोगाड़ हो गले मु काशी जाई गंगा स्नान करी काशी विश्वनाथ को दर्शन करी। प्रभु जगन्नाथ तांकु कहिले मोर 22 पहाचर तृतीय नंबर पहाचरे जड़े जटाधारी बसिछंती तुम्हें तांक पाखकु जाई टंका माग से तुमको निश्चिंत देबे। फूल गुंथाली जनक तृतीय नंबर पहाचरे जाए देखिले जड़े जटाधारी मंदिर आड़ को मुह कर बसिंटे से बाबा को किसी टंका मागिले आहले मु काशी जाई काशी विश्वनाथ दर्शन करने को चाहूँगी बाबा आउ बाबा जनक कहिले तुम्हें टिके जगन्नाथ को पचारि आस मु तृतीय नंबर पहाचरु चतुर्थ पहाच को केबे जाई से जा प्रभु जगन्नाथ को पचारिबारु प्रभु जगन्नाथ कहिले तुमर एत पुण्य होना जे तुम्हें तृतीय पहाचरु चतुर्थ पहाच को आसब। बाबा जनक से स्त्री लोक कहिले तुम्हें जो काशी जाई काशी विश्वनाथ को दर्शन करने चाहच मुँह से स्वयं काशी विश्वनाथ तुमर एत पुण्य जे तुम्हें प्रतिदिन महाप्रभुंर दर्शन करुछ तुमर हाथ गुंथा फूलमाल प्रभु को पिंधे पार्छ
किंतु मु वर्ष को मात्र थरे मो महाप्रभु को दर्शन करि पारुछि। एहिपरि प्रभु विश्वनाथ बाईसी पहाचर तृतीय पहाचरे अछन्ति, किंतु एही पहाचर महात्म्य बहुत अधिक आज्ञा। कुहा जाए कि भक्त तार बाईसी प्रकार खराब गुण को परित्याग करने को जाई महाप्रभु को दर्शन करे। तेणु भक्त माने एठा को आसी महाप्रभु को दर्शन करी महाप्रसाद सेवन करी नीलचक्र को दर्शन करी एही बाईसी पहाचरे गड़गले तांकर समस्त दोष हरण हो जाए बोली लोक माने भावी थांती। शेषरे एतिकी कहिबि, श्रीमंदिर एक मुख्य और पवित्र स्थान हेउछि बाईसी पहाच। भक्त मुखरे यह वैकुंठ को सीढ़ी बोली शुणा को मिले। कवि पुरुषोत्तम दास अठर नला बोली कहे, केवल लो तरा लो मुहरे पड़ुची खरा लो बाईसी पहाचे जाई न किणवा पोड़पिठा दुई सरा लो। दिन बदली जाइछि आउ बाईसी पहाचरे कैबल्य पसरा ना कि बड़ बड़ुआ डाक हेउनी, किंतु मधुर स्मृति बंची रही बंची रही। आसंतु पुणी गाइबा, थका मन चालो जीवा चका नयन देखिबा। थका मन चालो जीवा चका नयन देखिबा, बाईसी पावचे विका कैबल्य हे उच्ची चका। तेबे दर्शक बंधु, आपण को पूरी जगन्नाथ एवं बाईसी पहाचर महात्म्य विषय रे आमर ए उपस्थापनटी आपण मानको किपरि लागिला आमको कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लेखि जणाइबे। एहिपरि अधिकरु अधिक वीडियो देखिबाकु आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु अनुरोध। आज पई रहिली, मु पुणी आसीबी आउ एक पौराणिक कहानी नै। से पर्यंत विदाय दियंतु, नमस्कार, जय जगन्नाथ।